राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बेसन के पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, आज हम मैदे के पकोड़े बनाते हैं। ये देखो, मैदे के पकोड़े के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक कटोरी मैंने मैदा लिया है, ये चावल का आटा है, लगभग छोटी आधी कटोरी, मैदे से आधे से कम है। ये थोड़े से मैंने मटर लिए हैं, इसमें कड़ी पत्ता है, हरी मिर्ची है, और ये अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है। ये मैंने मेथी ली है, हरी मेथी, आजकल तो हरी मेथी आ गई है, मैंने थोड़ी सी काट ली है। ये हरा धनिया है, और आधा कप मैंने दही लिया है, आधे कप के लगभग। अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम दही लेंगे। दही में मैं डाल रही हूँ अदरक, बारीक बारीक काट के। ये देखो, इसमें मैं अदरक बारीक काट रही हूँ, कद्दूकस ना करें, इसमें कटी हुई बहुत अच्छी लगती है, स्वाद भी बहुत आता है इसका। अब इसमें मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्ची मैंने डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको हम मिला लेते हैं विस्कर से, दही को फेंट लेते हैं पहले अदरक और हरी मिर्ची के साथ। ये देखो, दही हमारी फेंट ली है मैंने, बिल्कुल अच्छी तरह से लम्स निकल गए इसके। अब इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ, और सामान, मैदा, चावल का आटा, इससे कड़क बनेंगे हमारे, ये थोड़ी सी मेथी, हरा धनिया, और ये मटर डाल लिया मैंने, ये हल्का सा बॉईल किया हुआ मटर को ये डाल लिया मैंने, हरा मटर, और थोड़े से मैं डाल रही हूँ इसमें कड़ी पत्ता, इसको मैं काट लेती हूँ, कटे नहीं पड़े, बारीक बारीक। अब इसको हम मिक्स करते हैं और अपने मसाले डालते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ मिर्ची, नमक, ये मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सूखा धनिया, और काली मिर्ची पीसी हुई मैं अब डालूंगी इसमें। सूखा धनिया अच्छा डालें, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसमें, और काली मिर्ची मैं पीसी हुई डाल रही हूँ। इसमें हम गरम मसाला नहीं डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा मैं मीठा सोडा डालूंगी, बिल्कुल जरा सा, इतना सा ही, ज़्यादा नहीं डालना। अब इसमें मैं मिक्स करूँगी, और फिर जितना हमें पानी ज़रूरत होगा हम उतना डालेंगे। पानी हम धीरे धीरे करके डालेंगे, जितना डलेगा हम उतना ही डालेंगे। ज़्यादा, जैसे हम बेसन का घोल बनाते हैं वैसे नहीं बनाना, थोड़ा उससे टाइट रखेंगे। ये देखो, इसको मैं मिला के इसको अब 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि चावल का आटा हमारा अच्छी तरह फूल जाए। मैदा तो साथ के साथ ही फूल जाता है, चावल का आटा फूलेगा। इसको अब हम ढक के रख देते हैं, फिर मैं अब 10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। अगर ज़रूरत होगी तो हम पानी बाद में डालेंगे, और अभी नहीं ज़रूरत। ये देखो, 10 मिनट हो गए हैं, ये मेरा फूल के तैयार हो गया। अब मैं इसको, गरम घी भी मेरा गरम हो गया, इधर मैंने साथ रख दिया था। अब मैं इसको, आप चाहे हाथ से डालें चाहे चम्मच से डालें, हो
ये देखो बहुत ज़्यादा तेज आंच पे हम नहीं पकाएंगे। ये देखो ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको बाहर कर लें। ये हमारे खाने को तैयार है। ये देखो अब हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। ये देखो मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना बाहर से अच्छा कड़क है और अंदर से सॉफ्ट है। एक और मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखो बाहर से कड़क आपको दिख ही रहा है और ये देखो अंदर से कितना सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब इसके साथ मेरे पास चटनी नहीं थी तो मैं अब इसमें नारियल का बुरादा मेरे पास घर पर है, मैं वो डाल रही हूँ और ये मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची और इसके साथ मैं डाल रही हूँ आधा नींबू और नमक। नमक और ये मैं आधा नींबू डाल। ये देखो अब मैं इसके पीसती हूँ चटनी बना। अब ये देखो ये मेरी चटनी तैयार हो गई है। क्या बढ़िया टेस्ट बना है चटनी का। बहुत ऐसा नहीं है कि घर में सामान नहीं है तो हम हरी चटनी नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ हमारे घर में होता है जो अब इस टेस्ट इस चटनी को आप बनाएंगे ना तो आप चटनी को याद करेंगे। बहुत बढ़िया बनी हुई है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया। अब इसको पकौड़ों के साथ हम सर्व करते हैं। कोई तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं इसको राई का, ऐसे ही बहुत बढ़िया टेस्ट है। आप इसे बनाएं और बताएं मुझे कैसे बने हैं। और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना मत भूलें।